साथियों, मैं पंकज डुंगरियाल स्वागत करता हूं आपका पहाड़ी मंच ब्रेकिंग एमए। और जैसे कि पता आपको कि आजकल मैं हूं हरिद्वार शहर में और पहाड़ों की वादियों से मैं पहुंचा हूं शहरों की रौनक की ओर। तो आज मैं हरिद्वार में रोशनाबाद में, तो यहां मेरे कज़िन भाई रहते हैं, वो ITC कंपनी में यहां जॉब करते, तो वो अपनी फैमिली के साथ यहां रहे। आज उनके यहां रुका था मैं। सबसे पहले मैं आपको यहां उनसे मिलाता हूं। ये है मेरे साथ, रुको गाड़ी लिफ्ट मिलेगी हमें, ये है हमारे साथ। हेलो कर दो सबको। हेलो, नमस्ते भी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? अनीशा नाम। अनीशा नाम है, और आप क्या करते हो? मैं तो क्लास ज्वाइन करती हूँ, खेलती हूँ। क्लास ज्वाइन करते हो, मजा आता है क्लास ज्वाइन करने में? हाँ। सर दर्द तो नहीं होता? नहीं। स्कूल जाना है कि नहीं जाना है? स्कूल तो जाती भी हूँ मैं, क्योंकि अब स्कूल बंद होंगे। एक दिन मेरी स्कूल थोड़ा थोड़ा खुलने वाली है। अरे खुलने वाली है? हाँ। अच्छा, और अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं साइकिल चला रही हूँ। अच्छा ना, बाय कर दो फिर वहीं से। बाय बाय। अच्छा लाओ। तो ये थी भैया की बड़ी लड़की साथियों। तो अब मैं नीचे जाता हूँ और औरों से मिलाता हूँ आपको। तो मैं कुछ गमले रखे हैं, तुलसी का पौधा, एलोवेरा, आ जा। क्यों गुल्ली को मिलाता हूँ मैं? हेलो कर दे, ऐसे करता आता कर दे, निकलेगी। आ जा, आ जा, आ जा, आ जा चाचा, आ तो ले ये। अरे है हमारी छोटी भतीजी जिसका नाम है अस्मिता, कहाँ जा रही? और ये है हमारी भाभी श्री, ये मिस्टर नयन, और ये हमारे भैया। तो इनके यहाँ मैं आया था। हेलो हेलो। और ये देखिए आराम से मस्त मौज ले रहे आज छुट्टी के दिन। यार हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें मेरे रहवार। ओके, तो गाइज इनका चैनल आप लोग देख सकते हैं। बाय बाय करते, बाय टाटा। तो अब हम वहाँ से निकल पड़े हैं और अब जा रहे हैं हम रानीपुर और शंकर आश्रम की तरफ हरिद्वार में। तो इन गलियों से होते हुए मेन रोड पे हम आएंगे अभी। अब भूलू आती हुई कौन चला? ये है मेरे ममेरे भाई जो हरिद्वार में जॉब करते हैं। साथियों यहाँ पर अब पेट्रोल पंप पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर स्कूटी में थोड़ा पेट्रोल डला देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे को जाएंगे। और साथियों यहीं पे ठीक पेट्रोल बगल के ठीक सामने पे यहाँ पे देखिए आप लोग, हॉकी स्टेडियम यहाँ हरिद्वार रोशनाबाद में है और यहीं से ही सारे खिलाड़ी हमारे तैयार होते हैं हॉकी के। तो अपनी स्कूटी पे तेल भरवा के और अब हम निकल पड़े हैं रोशनाबाद से मेन रोड हाईवे की तरफ। और साथियों मैंने अभी आप लोगों को हॉकी स्टेडियम बताया, तो ये हरिद्वार में है। और क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भारत महिला हॉकी टीम की जो वंदना कटारिया है वो भी रोशनाबाद की है, एक छोटे से गांव के यहाँ के, वही जो स्टेडियम है वहाँ से वो हली फुली और आज भारत का नेतृत्व कर रही है। तो काफ़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ से उत्तराखंड का एक स्टार चमका है और जो भारत का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व में कर रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं और अब हम जा रहे हैं सिडकुल की तरफ, क्योंकि हरिद्वार सिडकुल का भंडार है, मतलब बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ हैं। तो अब सिडकुल की ओर हम लोग जा रहे हैं, तो रास्ते में चलते चलते आप हम लोगों को भी बताया जाएगा। साथियों यहाँ से आप लोग देखोगे तो रोड की दोनों तरफ दाएं बाएं पूरा इंडस्ट्री का एरिया यहाँ पर है और तमाम जितने भी उत्तराखंड में बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं सारी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिडकुल हरिद्वार में। दोनों तरफ यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर सारी कंपनियाँ यहाँ पर है। और चलते चलते जितना कवर हो रहा है आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आगे चलोगे तो यहाँ पर देखिए नाम एंकर ITC तमाम जितनी भी कंपनियाँ हैं यहाँ पर देखिए आप लोग। चलते चलते कंपनियों के नाम तो नहीं पढ़े जा रहे, पर जितना भी पढ़े जा रहे हैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और यहीं से आगे आते हुए साथियों ये है उत्तराखंड के बड़े से बड़े मॉलों में से एक पेंटागन मॉल, और इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पूरा ये फैला हुआ पेंटागन मॉल। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये बहुत बड़ा।
और यहाँ से होते हुए अब हम लोगों को शिवालिक नगर से होते हुए ज्वालापुर जाना है। उसके बाद वहाँ पे फिर से भैया घर हम वापस जा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रेम आश्रम, देखिए कितना बड़ा, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े आश्रमों के लिए हरिद्वार जाना जाता है, तो यहाँ पे प्रेम आश्रम। और इसके बगल में है ये आप लोग देखोगे तो यहाँ पर शंकर आश्रम। और यहीं तक हम लोगों को फ़िलहाल जाना है, फिर मिलेंगे आपको।